सोशल मीडिया पर गॉसिपिंग और उसका अपने करियर के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी अभी दिवाली का त्यौहार हो गया, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर किया फेसबुक के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर होती है, व्हाट्सएप पे होती है, सभी सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स है वहाँ सब लोग शेयर करते हैं। हमने घर में क्या क्या खाने के नए नए आइटम बनाए, कौन से मतलब ज्वेलरी कौन सी खरीद लिया, कपड़े नए नए खरीदना और उसके ऊपर फोटो लेके डालना, मतलब ऐसा काफ़ी लोगों ने किया होगा। उसके साथ साथ फिर लोग उसके ऊपर कमेंट्स भी करते रहते। क्या होता है कि लोगों के कमेंट्स के ऊपर हमने कमेंट्स देना और अपना मत देना, हमको लगता है कि वो ठीक है, हो सकता है कि वो सामने वाले को ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक को अपना अपना मत ठीक लगता है, अपना अपना ओपिनियन जो है अपने जो भी डाला हुआ है वो ठीक लगता है। मैंने उसके ऊपर हमारा मत देना और उसके ऊपर फिर लोगों की प्रतिक्रिया, फिर अपनी प्रतिक्रिया, फिर लोग और जम कर रहे और फिर बहुत सारा मजमा हो रहा है और बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि इसका सबका दुष्परिणाम जो है वो अभी आपके नौकरी मिलने के ऊपर या आपके शादी के ऊपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लुएंस नाम की एक कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी, उन्होंने ऐसे सर्वे किया और उसमें उनको मालूम पड़ा कि भाई लोग जो जो अपनी पोस्ट डालते हैं, जो शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वहाँ से वो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व हमको मालूम पड़ता है। तो आपको नौकरी मिलने के पहले, इंटरव्यू के समय, शादी के पहले यदि कोई आपके अकाउंट पे जाता है और देखता है कि आपने क्या क्या अकाउंट में किया हुआ है, कौन से कारनामे किए हैं, क्या क्या पोस्ट डाली हुई है, आपके बारे में आपने क्या कहा है, लोगों के बारे में आपने कहा क्या कहा है, कौन सी भाषा का वापर किया है, कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है, जोक्स कौन से हैं, अश्लील जोक है क्या, कौन से वीडियोज आप देखते हो, मतलब हर तरह का ज्ञान वहाँ से मिल सकता है और वो व्यक्ति कैसा है उसकी जानकारी वहाँ से मिलती है और उसका परिणाम आपकी शादी तय करने के समय या आपकी नौकरी मिलने के समय हो सकता है। तो हमको भी ये जान लेना जरूरी है। फिर हमने क्या सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट नहीं करना क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ऐसा नहीं है, करना है। मगर आप जब कमेंट करते हो, कोई पोस्ट करते हो, कोई लाइक करते हो, तो उस समय आपको कोई प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी और वो प्रिकॉशन लेके ही फिर आपको जो भी शेयर करना है वो शेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मन को चाहा वो शेयर कर लो, जो मन चाहे वैसा कमेंट्स कर लो, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो अभी उसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी पोस्ट डालना चाहिए, किस तरह की कमेंट्स होना चाहिए, चलो उसके बारे में करते हैं चर्चा। और चार प्रकार के अलग अलग इसमें पोस्ट हम डाल सकते हैं या चार प्रकार की सावधानी या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर एक, बाकी लोगों के कमेंट्स के ऊपर आक्रमण करना, मतलब इसने कुछ कमेंट की हुई है तो उसके ऊपर अपना मत देना। अरे जिसने कमेंट की हुई उसको वो ठीक लग रहा है मगर मैंने मत देना, वो कैसे ठीक नहीं है, उसके ऊपर बहुत कड़क कठोर टीका करना और उसको मतलब ऐसा करना कि उसने कहाँ से वो पोस्ट डाली हुई है, मतलब वो जब तक निकालता नहीं तब तक उसका पीछा करना, और फिर मतलब जैसा कि उसको एक तरह का वो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके ऊपर एक ट्रोल का एक लेवल लग जाएगा, आपके ऊपर एक ऐसा लेवल लग सकता है कि ये बहुत ही अड़ेल आदमी है, ये अपना छोड़ता ही नहीं, अपना हिका जो है मतलब अपना जो मत है वो छोड़ता ही नहीं है, लोगों के जो मत है उसका वो आदर करता नहीं है और अपनी लगाते रहता है, और इतना पीछा करना, इतना उसको मतलब ऐसा जैसा कि भाई उसने वहाँ से निकल जाना चाहिए, मतलब इस तरह का उतना उसका पीछा करना, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे यदि आप करते तो आपके ऊपर ट्रोलर्स या फिर एक हेकेखोर आदमी जैसा रहता है उसका लेबल लग सकता है, और फिर ऐसा यदि लेबल लगता है तो आपको कोई नौकरी देगा नहीं या फिर शादी के समय इसका प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ लोगों को एकदम चीप पोस्ट डालने की आदत रहती है, एकदम चीप पोस्ट डालना, लगता है कि नहीं मैंने कितना बड़ा जोक मारा, फिर लेडीज़ के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पोस्ट डालना, वो भी चीप पोस्ट डालना, या एकदम कमर के नीचे वाले कोई कमेंट्स पास करना, डबल मीनिंग वाली कमेंट्स पास करना, या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर कमेंट पास करना, या फिर रंग जो है उसका कलर, तो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, या धर्म जाति के ऊपर टीका टिप्पणी करना, तो ऐसे जो लोग हैं तो उनको अच्छा नहीं माना जाता है कि भाई ये लोग ठीक नहीं है और ये अपने ही लगाते रहते हैं और लोगों को बहुत कम समझते हैं, तो ऐसे इसमें भी ये लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। ये दूसरा मुद्दा हो गया। नंबर तीन का, कुछ लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल तलवार लेके आते हैं, वो बहुत ऐसा आक्रामक कुछ तो भी लिखेंगे, लोगों का इंसल्ट कर देंगे और बहुत ऐसा लोगों को चिढ़ाएंगा, ऐसा कुछ तो भी लिखेंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगेगा,
कुछ लोग उसको लाइक भी करेंगे, फिर उसको और ताव आ जाता है, फिर और वो झगड़ा करने वाली ऐसे कोई पोस्ट डाल देंगे ताकि लोग मतलब उससे और कुछ तो भी मतलब लोगों को रिएक्ट करने के लिए ऐसा कुछ लिखेंगे और फिर उसके ऊपर झगड़ा कर लेंगे, तो ऐसे इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये लोगों का भी एक नेचर सामने लोगों के आता है, और ये यदि पोस्ट आपके सोशल मीडिया के साइट के ऊपर आपके अकाउंट के ऊपर मिलती है तो इसमें भी आपका शादी के समय या सर्विस लेने के समय प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर चार, कुछ लोग है ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल शेयरिंग करते हैं, और इतना ज़्यादा पर्सनल शेयरिंग कि मुझे कैसा लगा, मुझे क्या फील हो रहा है, फिर मुझे कहाँ रोना आ गया है, या मुझे मैंने आज क्या खाया नाश्ते में, फिर दोपहर में क्या खाना खाया, फिर मेरे पत्नी ने मुझे क्या बोला, मेरे बच्चों को मैंने क्या बोला, ऐसा बहुत ही पर्सनल शेयरिंग करते हैं। ऐसा बहुत कभी कभी बहुत चीप लगता है वो, और फिर उनको उनके तरफ लोगों का अटेंशन भी जाता है, फिर उनको सहानुभूति भी मिलती है, उनको लाइक भी मिलते हैं, उनको लगता है कि देखो मुझे कितने सारे लाइक मिल गए, और फिर उसमें मगर उनका एक इम्प्रेशन ऐसा बन जाता है कि बहुत ही पर्सनल या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इसका है। और ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मतलब खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना या खुद के बारे में बात करना, बाकी किसकी सुनने का नहीं, ऐसे लोगों को भी एक उनकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है, और उनको भी नौकरी मिलने में या शादी के इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चार चीज़ें मैंने बताई। तो आप जब भी कभी सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करते हो या कुछ कॉमेंट लिखते हो जो भी है, तो वो आपने ऐसे इसका परहेज जो है ये चार परहेज का पालन करना चाहिए, ताकि आपका एक अच्छा इमेज सोसाइटी में बने, आपका एक अच्छा ब्रांडिंग हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।